ओम शांति। पुरुषोत्तम संगम युग, हीरे का युग। बेदाग हीरा हमें बेदाग हीरा बनाने आया है। बाबा ने आज स्वयं को हीरा कहा है। बाबा हमें डायमंड एज यानी पुरुषोत्तम संगम युग, कल्याणकारी युग से गोल्डन एज यानी श्री कृष्णपुरी में ले जा रहे हैं। तो इस हीरे के युग में हमें हीरा बनना और बनाना है। हीरा कैसा होता है ये हमें बताने की आवश्यकता नहीं है। 1 कैरेट हीरा मिल जाए तो लोग लाखपति बन जाते हैं। तो वहाँ सोचिए, हीरे और सोने की तो कमी ही नहीं होगी। तो हमें ऐसी दुनिया में 21 जन्मों का वर्षा लेने के लिए बाबा ने कहा कि हम अपनी संकल्पों की एकाग्रता को बढ़ाएं। संकल्प जो व्यर्थ हैं उन पर हम श्रेष्ठ भाव, शुभ चिंतन और श्रेष्ठ भाव से हम व्यर्थ संकल्पों पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। तो व्यर्थ संकल्प सबसे ज़्यादा पीछा कर रहे हैं। उसके लिए हम जीव दान दें और मन मना भव की स्थिति में स्थित रहें। शिव बाबा हमें रोज इस बात को अलग अलग ढंग से बताते हैं। बिगड़ी को बनाने वाला और सबसे ज़्यादा निराला, भोला भाला वह शिव बाबा है, जो हमारी सारी गलतियों को माफ़ करके हमें, हमारे दुखों को हर के हमें सुख की दुनिया में ले जा रहा है। हमें उसका आभारी होना चाहिए और खुशी में रहना चाहिए। हमारे अंदर खुशी का नगाड़ा बसता रहे। हम सोचते रहें कि हमें तो रोज़ शिव बाबा पढ़ाता है। मुरली के एक एक पॉइंट पर विचार सागर मंथन करें, मंथन करके शिव बाबा की याद में मगन हो जाएं। यही एक आधार है जो हमारे सारे व्यर्थ संकल्पों, व्यर्थ कार्यों, व्यर्थ चीज़ों पर विजय प्राप्त कराएगा। कोई माया होगी जो हमारे कार्य में विघ्न डालने आएगी, वही हमारी मदद का आधार बन जाएगी। इसलिए हमें शिव बाबा पर संपूर्ण भरोसा रखते हुए सतयुग के आदि में आने के लिए हमें शिव बाबा को निरंतर याद करते हुए अपने कर्मों पर विशेष ध्यान देना चाहिए। ओम शांति।